लेट्स से दैट इज जो वोल्टेज है वी टू, जो करंट है वो आई टू, गुड मॉर्निंग गाइस, नहीं वी टू आई टू, तो पावर क्या होगी, पावर पी टू इज इक्वल टू वी टू आई टू कॉस फाई टू, ठीक है। और जो लॉसेज हमारे कोर के अंदर हो रहे हैं विच आर नोन एज आयरन लॉसेज, और वो कांस्टेंट होते हैं, वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया, उनको हम लिख लेते हैं डब्ल्यू आई। और जो लॉसेज हमारे वाइंडिंग के अंदर हो रहे हैं, लॉसेज इन दी वाइंडिंग, ठीक है, उनको हम नाम देते हैं कॉपर लॉसेज, ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात। और आयरन लॉसेज हमारे कांस्टेंट होते हैं, कॉपर लॉसेज हमारे होते हैं इक्वल टू पावर के, हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं ना, मैंने ये बता रहा हूं मैं कि ये कहां से आता है, पहले भी दो तीन बार बताया, पावर का फॉर्मूला होता है वी टू आई, दूसरा फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर बाय आर, दीज आर दी थ्री फॉर्मूलाज फॉर पावर। और यहाँ पे देखो ये जो वाइंडिंग है, वायर है, इसका रेसिस्टेंस होगा कॉपर का, तो उस रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस क्या करेगा, करंट आई को फ्लो होने से रोकेगा। तो सिमिलरली इन सेकेंडरी वाइंडिंग आल्सो उसका रेसिस्टेंस करंट आई टू को फ्लो होने से रोकेगा, ठीक है। तो रोल किस चीज का है, करंट और रेसिस्टेंस का। तो जो पावर इस वाइंडिंग में लॉस होगी दैट विल बी, कितनी पावर लॉस होगी, आई स्क्वायर आर, जो ये यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास फॉर्मूला। तो इससे जितना भी हमारा लॉस होगा ड्यू टू द रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, तो उसको कैलकुलेट करेंगे आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे जो कॉपर लॉस प्राइमरी में हो रहा है उसको हम लिखेंगे आई वन स्क्वायर आर वन, प्लस जो सेकेंडरी में हो रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे, आई टू स्केयर, करंट अब आई वाला करंट क्या हो गया, आई टू स्केयर आर टू। और जो लास्ट पेज पे आप देखोगे, अगर इसको इंटीग्रेट कर, एक मिनट ये ना, ठीक है, उन्होंने इस चीज को सॉल्व करके दिया हुआ है विच इज इक्वल टू I2 square R02 equal to, या इसकी जगह आप लिख सकते हो I1 square R01, ठीक है। तो sum of these two is equal to this और this, ये होते हैं कॉपर लॉसेज, ठीक है, क्लियर हो गई। और आयरन लॉसेज आपके कौन कौन से होते हैं, टू टाइप्स के भाई, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट, है ना, डब्ल्यू एच प्लस एडी करंट, जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, चेंज नहीं होते। अच्छा, अब हमारे पास एफिशिएंसी की इक्वेशन क्या होती है, एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की, दैट इज आउटपुट, ठीक है, ओवर इनपुट, इनपुट इनपुट मींस पावर, है ना, ऐसे तो नहीं ले रहे, पावर ही है ना, इनपुट भी पावर दे रहे, आउटपुट भी। अच्छा, जो हमारी ये आउटपुट पावर है उसका फॉर्मूला क्या है भाई, एफिशिएंसी का सिंबल क्या होता है, this n type, this is the symbol for efficiency, efficiency ठीक है। आउटपुट पावर क्या है हमारे पास,
वी टू वी वन वी टू आई टू कॉस कॉस ऑफ फाइ टू, ठीक है फाइ, और कॉस फाइ टू क्या है पावर फैक्टर लोड का, ठीक है ये मैं बताऊं। अच्छा इनपुट को कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब इनपुट ये किसके इक्वल है, अगर आउटपुट में आप लॉसेस ऐड कर दोगे दैट विल बी इक्वल टू इनपुट। दोबारा कल भी समझाया था, अगर 10 रुपये दिए 2 रुपये लॉस है 8 रुपये आउटपुट है, तो 8 प्लस लॉसेस इक्वल टू इनपुट, आउटपुट 8 रुपये थी 2 रुपये लॉस थे 8 प्लस 2 10 इक्वल टू इनपुट, तो आउटपुट हमारे पास क्या है यहाँ पे V2 I2 cos phi 2 cos phi 2 प्लस प्लस आयरन लॉस और कॉपर लॉस, कॉपर लॉस ठीक है यस। अच्छा कॉपर लॉस को और क्या लिख सकते हैं हम, इट कैन बी रिटन एज जैसे V2 I2 cos of phi 2 अपॉन ये भी सेम V2 I2 cos phi 2 प्लस आयरन लॉस, और हमारे कॉपर लॉस यहां से ये देखो इक्वल टू इनमें इसके लिख सकते हैं आई टू स्केयर डॉट आर नॉट टू, ठीक है लिख सकते हैं सर आर नॉट टू, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अच्छा अब हमने क्या निकालना है, एन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ठीक है कब होती है, जब आपका जो न्यूमिनेटर है वो काफी मतलब बड़ा हो, वैल्यू उसकी ज्यादा होगी ऊपर वाले न्यूमिनेटर की, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी बिल्कुल मिनिमम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको समझा देता हूँ, अगर 10 अपॉन मान लो आप 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा 2, ठीक है अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू और कम कर दोगे 10 अपॉन 1 कर दोगे तो आंसर क्या आएगा 10, तो हमारी ये वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, जैसे जैसे डिनोमिनेटर हमारा कम होता जा रहा है ये वैल्यू क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो सिमिलरली जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी तो एफिशिएंसी क्या होगी हमारी मैक्सिमम, तो अगर इसको 10 अपॉन 0 कर दोगे तो इसका आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी, है ना मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये चीज की वैल्यू मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब आपका डिनोमिनेटर किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल, किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल, जीरो के हाँ। तो लेकिन उससे पहले हमने एक स्टेप करना है, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको करना है डिवाइडिंग बाय, मैं ना इसको यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, अगर कोई बच्चा नोट भी कर रहा है लिख दे रहा हूं यहाँ पे डिवाइडिंग बाय बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे आई टू से, ठीक है तो हमें क्या मिलेगा ऊपर में से आई टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ एफिशिएंसी इक्वल टू, जब इस चीज को आप ये ऊपर न्यूमिनेटर को डिवाइड करोगे I2 से तो क्या मिलेगा आपको I2 तो कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास V2 cos phi 2, समझ में आ रही है भाई ये बात यस सर। और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या बचेगा V2 I2 कैंसिल हो गया ना यहाँ से तो क्या बचा cos phi 2 प्लस आयरन लॉस डब्ल्यू आई। और अच्छा यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है ये आई स्केयर है तो एक आई टू इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो एक आई टू हमारे पास बच जाएगा, इट विल बिकम आई टू
आर नॉट। क्लियर है भाई ये? यस सर क्लियर है। हाँ स्केयर था ना तो आई टू कैंसिल हो गया इसमें से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको जो हमारी वोल्टेज है ठीक है उस वैल्यू को हम मान के देखो, जो हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है प्राइमरी में भी कॉपर लॉसेज, ये तो हमें देखो वन थिंग इज वेरी क्लियर, जो हमारे आयरन लॉसेज है वो तो कांस्टेंट है ठीक है। जो यहाँ पे लॉस हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द करंट एंड रेसिस्टेंस प्राइमरी में भी एंड इन सेकेंडरी आल्सो, और वो पावर का फॉर्मूला हमने आई स्क्वायर आर वाला लगाया, तो यहाँ पे वोल्टेज की बात नहीं हो रही, तो वोल्टेज भी हमारी क्या है ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो हमारी कॉन्स्टेंट है ही ठीक है। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे भी जो हमारी डिनोमिनेटर है ये पूरे की वैल्यू, ये एफिशिएंसी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल होगा, मिनिमम होगा मतलब ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी एक तो होती है इंटीग्रेशन, एक क्या होती है हमारी डिफरेंशिएशन। तो इस चीज को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे भी, इसको कैसे लिखेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो डिफरेंशिएट करते हैं किस चीज को, सिर्फ डिनोमिनेटर। ये बीच में ना एक यहाँ पे एक लाइन लिख लो आप, द वैल्यू ऑफ, इसके बाद ये इक्वेशन के बाद आफ्टर दिस इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ वी टू इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, the efficiency will be maximum, ये जो efficiency है it will be maximum when the denominator, ये जो denominator है when the denominator will be minimum, ठीक है। the efficiency will be maximum when the denominator will be minimum, ठीक है। that is, आगे ये लिखना शुरू कर दो, that is when denominator क्या है d upon d, इसको i, देखो v को हम कॉन्स्ट, पहले ये मैं एक बार इक्वेशन लिख लूं फिर समझाता हूं मैं क्या लिखा है। ये डिनोमिनेटर क्या है हमारा v2 cos phi 2, यही है ना भाई, और w i, प्लस आई टू आर नॉट टू। अच्छा ये देखो, ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस डिनोमिनेटर की, व्हेन इट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तब हमारा ये जब डिनोमिनेटर बहुत कम होगा मिनिमम, दैट मींस जीरो होगा ठीक है, तो ये हमारी एफिशिएंसी क्या होगी मैक्सिमम, जैसे ये मैंने ये यहाँ पे समझाया है भी, जितना डिनोमिनेटर आपका कम होता जाएगा उतनी ये जो वैल्यू है उतनी वो ज्यादा आती जाएगी, ठीक है। तो इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा है। अच्छा इसको डिफरेंशिएट हम I2 के साथ ही क्यों कर रहे हैं, डिफरेंशिएट उस वैल्यू के साथ करते हैं जो वैल्यू चेंज होती है, मतलब कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी। मतलब डिफरेंशिएट हम I2 को इसलिए हम लेके चल रहे हैं क्योंकि I2 के जो, ये देखो यहाँ पे ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको, पावर जो लॉस हो रहा है वो किस पे डिपेंड है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन I स्क्वायर R। तो रेसिस्टेंस भी हमारा कांस्टेंट है इसके अंदर, जो R है दैट इज कांस्टेंट, जो हमारा ये R resistance of primary and secondary winding is constant, जो iron losses हैं वो भी constant हैं, वो change नहीं होते हमें पता है, लेकिन change क्या चीज, और जो हमने ये statement में लिखा है जो हमारी voltage है that is also almost constant, हमने ये भी लिखा हुआ है, और जो losses हैं वो किस पे depend कर रहे हैं, मतलब अगर iron, sorry current के अंदर अगर पहले
टू स्केयर के कारण करंट कितना बन रहा था, फोर। अगर करंट हल्का सा भी आपका एक एम्पियर भी बढ़ जाता है, दैट मीन्स थ्री, तो उसके कारण स्केयर होके वो करंट कितना हो जाएगा, नाइन। दैट इज अ मेजर चेंज, फोर से सीधा कितना डबल से भी ज्यादा जंप कर रहा है वो, है ना। तो मेन चीज क्या चेंज हो रही है, आपके करंट। तो विद रिस्पेक्ट टू करंट हम इसको, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर होगी ये बात स्नेहिल, पूजा, विशाल, भी करंट को लेके क्यों हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज कॉन्स्टेंट, जो हमारा करंट लॉसेज है दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो चीज क्या चेंज हो रही है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आई टू पे। क्योंकि अगर आई टू पे हल्का भी वन एम्पेयर भी चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स आई स्केयर, तो यहाँ पे अगर फोर इंटू आर था तो अब अगर एक एम्पेयर भी बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगा, नाइन इंटू आर, मतलब कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो उसके रिस्पेक्टिवली हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा, ये देखो V2 को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, जब कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो नेक्स्ट टर्म WI की जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, तो मतलब इसका आंसर जो निकल के आएगा दैट इज, इस क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएट करने के बाद दैट इज WI माइनस WI ओवर आई टू स्केयर। ये ना अपने डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन ये मैथ्स में की होगी, तो वहां से समझ लेना। और इसके, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आई टू ये इसका आंसर निकल जाएगा आर टू आर नॉट टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन के बाद ये स्टेप आ गया। अब I2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस WI प्लस I2 स्क्वायर इनटू R नॉट टू इक्वल टू I2, इस साइड जाके जीरो से मल्टीप्लाई होगा, इट विल गो ऑन जीरो। अच्छा, अब ये हमारा माइनस है WI, तो ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस साइड हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं बची तो यहाँ पे लिखते रहेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा आई टू स्केयर आर नॉट टू इक्वल टू WI। अच्छा, ये आई टू आर नॉट टू क्या है आपके, दीज आर योर कॉपर लॉसेस, और ये क्या है आपका, आयरन लॉस, ठीक है। तो इस चीज को भी आप बॉक्स में कर लो ड्रॉ, और इस चीज को भी। तो ये कॉपर लॉस कहाँ पे हमने, ये मैंने आपको दिखाया होगा लिख के, ये देखो यहाँ पे, ये स्टार्टिंग में मैंने लिख के दिखाया ना, दिस कॉपर लॉस इज इक्वल टू आई टू स्केयर आर नॉट टू, तो इसीलिए आई टू स्केयर आर नॉट टू यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर लॉस। दैट मीन्स ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब आपके कॉपर लॉसेज किसके इक्वल हो जाएंगे, आयरन लॉसेज के। क्लियर है बात। और कॉपर लॉसेस क्या होते हैं, आपके वेरिएबल होते हैं, व्हेन वेरिएबल कॉपर लॉसेस आर इक्वल टू कांस्टेंट आयरन लॉसेस। अच्छा भाई, इसको जल्दी जल्दी से स्टार्टिंग से दोबारा समझते हैं सारी इक्वेशन को, ठीक है, मेरे साथ साथ चलना। सबसे पहले हम लेके चलते हैं भी, ये पावर प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है जी, वी वन आई वन कॉज फाई वन, ये बोलते जाओ पूजा, बोलते जाओ साथ में। पावर क्या है प्राइमरी वाइंडिंग में, वी वन आई वन कॉज कॉज फाइव वन, ठीक है। yes. और सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर होगी वी टू आई टू कॉज आई कॉज फाइव टू, ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग की पावर होगी। और लॉसेस हमारे कौन कौन से हो रहे हैं, डब्ल्यू आई आयरन लॉसेज, हाँ, हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, ये आयरन लॉस थे।
और दूसरे हमारे कौन से हो रहे हैं, कॉपर लॉस, और वो कहाँ पे होते हैं, वाइंडिंग के अंदर, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के रेसिस्टेंस के कारण। ठीक है, तो हमारे पास पावर के ये मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ पावर कौन कौन से होते हैं आपके, पावर इज इक्वल टू वी इन टू आई, आई स्केयर आर और वी स्केयर बाय आर। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस के कारण लॉस हो रहा है और क्या फ्लो कर रहा है उसके अंदर, करंट वाइंडिंग के अंदर, तो ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे। हाँ, तो इसके कारण जो कॉपर लॉसेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई वन स्केयर आर वन प्राइमरी में, आई टू स्केयर आर टू सेकेंडरी में, और इन दोनों को जब आप मतलब इकट्ठा करके लिख सकते हो, वो कैसे लिख सकते हो, आई टू स्केयर डॉट आर जीरो नॉट जीरो टू, या फिर आई वन स्केयर आर नॉट वन, ये मतलब आप कंक्लूजन लिख सकते हो इसकी, दोनों को एडिशन करके, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। ठीक है, अब आगे हमारे पास फॉर्मूला, हमें एफिशिएंसी का पता है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर, अब ये तो पता चल गया हमारे पास क्या कुछ है, इनपुट पावर, आउटपुट पावर, आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस, ये तो हमें पता चल गया, ये सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, दैट इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर हमारी क्या है, यहां से हमने ये लिख ली वी टू आई टू कॉस फाइ टू। ठीक है, और इनपुट किसके इक्वल होगा, मतलब आउटपुट के अंदर यू विल ऐड दी लॉसेज, कौन कौन से लॉसेज हैं, डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू सी। जैसे ये मैंने बताया, आठ के अंदर आपने लॉस ऐड कर दिया टू को, तो इट विल बिकम इक्वल टू इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे पावर हमारी आउटपुट पावर ये है आपकी, इसके अंदर लॉसेज ऐड कर दिए आई करंट लॉसेज प्लस कॉपर लॉसेज, ये वाले डब्ल्यू सी एंड डब्ल्यू आई, क्लियर हो गया। तो दिस इज इक्वल टू इनपुट पावर जो डिनोमिनेटर में आपने लिखा है, तो ये किसके इक्वल हो गया, इनपुट पावर के, क्लियर है। अब हमें यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये इसका आंसर, ये जो इक्वेशन है, ये एफिशिएंसी है, ये मैक्सिमम कब आएगी, जब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, बिल्कुल मिनिमम होगा। जैसे ये बताया, अगर 10 ओवर 5 2 होता है, अगर 10 जीरो के ऊपर मिनिमम कर दोगे, जीरो से मिनिमम तो होता नहीं, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज इंफिनिटी, है ना। तो हमने अब डिनोमिनेटर है जो ये हमारा, इसको किसके इक्वल करना है, हमने जीरो की इक्वल, ठीक है, पुट करके देखेंगे। उससे पहले हमने लेकिन एक काम क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है इसको ऐसे लिख लिया पूरा, कॉपर लॉस की जगह हमने क्या लिख दिया, आई टू स्केयर आर नॉट टू, क्लियर होगी ये बात। और इस इक्वेशन को, जो ये हमारी इक्वेशन है न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया भाई, आई टू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बची है आपके पास। ठीक है, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया तो ये बच गया आपके पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट करना है, तो ये हमने पुट कर दिया और उसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आई टू, क्लियर होगी ये बात। और डिफरेंशिएट करने के बाद ये वी आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे तो आई टू है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन आयरन लॉसेज के अंदर आप, एक आयरन लॉसेज किसके कारण हो रहे हैं, आयरन लॉसेज में करंट का रूल होता है, तो इसलिए इसको कंसिडर करते हैं, दैट इज वाई डब्ल्यू आई अपॉन आई टू स्केयर, और यहाँ पे I2 है, ये ना डिफरेंशिएशन का पार्ट है, मैथ्स में आप पढ़ोगे कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, वहां से आप इसको रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये R not 2 किया हुआ है ना, तो ये R not 2 आ जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को जब आप पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपके पास एंड रिजल्ट ये बचेगा, जिससे हमें पता चलता है भी कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एफिशिएंसी ये एन मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस इक्वल होंगी। ठीक है, तो कब होगी पूजा एफिशिएंसी मैक्सिमम, ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगा, सर जब उसकी इनपुट में मिनिमम है। नहीं नहीं नहीं, जब जो लॉसेस हो रहे हैं ना कोर के अंदर, वो लॉसेस जो कॉपर लॉस है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, आयरन लॉस के, क्लियर है। और जो कॉपर लॉसेज हैं वो कौन से होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और आयरन लॉसेज क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है। हाँ, तो एक एक लाइन लिख लो नीचे, द एफिशिएंसी ऑफ
ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन वेरिएबल कॉपर लॉसेस आर इक्वल व्हेन वेरिएबल कॉपर लॉसेस आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आयरन लॉसेस ठीक है व्हेन वेरिएबल कॉपर लॉसेस आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आयरन लॉसेस ठीक है ये स्टेटमेंट हमने ऐसे क्यों लिखा है वेरिएबल कॉपर लॉसेस आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आयरन लॉसेस क्योंकि जो करंट है वाइंडिंग के अंदर वो कभी बढ़ेगा कभी कम होगा तो जब आपका करंट बढ़ेगा कम होगा तो उसके कारण जो ये हमारा लॉसेस हैं कॉपर के ये देखो ये पावर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अगर हल्का सा भी करंट बढ़ता है तो कितना मतलब लॉस बढ़ जाएगा देख लो चार से अब नाइन को मल्टीप्लाई करोगे सपोज कर लो रेसिस्टेंस 10 ओम था तो पहले अगर लॉस 40 था तो अगर 9 हो गया करंट तो अब लॉस क्या हो जाएगा 90 मतलब काफी ज्यादा बढ़ जाएगा है ना तो जो वेरिएबल कॉपर लॉसेस किसके इक्वल होंगे कॉन्स्टेंट आयरन लॉसेज और वो कब होगा जब आपका जो करंट फ्लो कर रहा है वाइंडिंग्स में ट्रांसफार्मर की वो चेंज नहीं होगा ठीक है वो कांस्टेंट रहेगा तब आपका जो ट्रांसफार्मर है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का देने का मतलब उसमें जितनी इनपुट आएगी वो लगभग उतनी आउटपुट डिलीवर करेगा उसमें जो लॉसेज हैं वो कम होंगे और कितने कम होंगे व्हेन कॉपर लॉसेज इक्वल टू आयरन लॉसेज तब ट्रांसफार्मर जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम देगा जैसे मैंने ये बताया कार के अंदर अगर आप फिफ्थ गियर में जा रहे हो और हाईवे पे हो 70-80 किलोमीटर फिक्स स्पीड पे जाओगे उस स्पीड को चेंज नहीं करोगे तो कार आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम देती है जो एवरेज है तो सिमिलरली इस केस में भी जब आपका करंट का जो आपका करंट है वो कांस्टेंट होगा वो चेंज नहीं होगा वेरिएबल जो कॉपर लॉस है वो किसके कुल हो जाएंगे करंट कांस्टेंट आयरन लॉस के तो ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी मैक्सिमम देगा जितनी इनपुट पावर है लगभग उतनी आउटपुट पावर देगा तो लॉसेस भी उसमें कम होंगे क्लियर है ये टॉपिक भाई किसी को बेटा कुछ भी इसमें समझ नहीं लगा बता दो ये बुक के अंदर तो